नमस्कार दोस्तों, अलकाश किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी धुली हुई उड़द की दाल ली है, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था, और साथ में ही मैंने दो कटोरी चावल को लिया था। इसको पहले भीन के अच्छा साफ़ कर लिया, फिर धो के रात भर इसे भी मैंने पानी में भिगो के रखा। अब दोनों सामग्री को मैंने पीस लिया है। पहले मैंने उड़द की दाल को पीसा है। इसको बहुत महीन पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले उड़द की दाल को पीसा, और जब मेरी उड़द की दाल पीस गई अच्छी, तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल के रख लिया। अब उसी जार में मैंने चावल को भी पीस लिया है। इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और इसका महीन पेस्ट मैंने बना लिया है। अब जिस बर्तन में मैंने दाल निकाली थी, उसी में चावल का पेस्ट भी निकाल लिया है, और थोड़ा सा मैंने खाने वाला बेकिंग सोडा डाला है, और इसको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसी समय मैंने हल्का सा इसमें नमक भी डाल दिया है, ये नमक आधा चम्मच होगा, और इसको भी मैंने डाल के अच्छे से फेंट के और मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको मैंने ढक के 6 से 8 घंटे के लिए रख दिया है, ताकि इसमें अच्छा खमीर उठ जाए और हमारा इडली मुलायम बने। 6 से 8 घंटे रखने के बाद देखिए मेरा बैटर फूल के खूब स्मूथ हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड किया है, क्योंकि सब्जियां डालने के बाद नमक कम हो जाएगा। अब इसमें मैंने बारीक कटी हरी धनिया, हरी मिर्च, गाजर, मटर और शिमला मिर्च को भी कट करके उसी में डाल दिया है बैटर में, और अच्छे से मिक्स कर दिया। इडली के कुकर में हम पानी रख के उबालेंगे। जब आपका पानी बहुत तेज खौलने लगे, तो इडली के सांचे में आप सारी इडलियाँ लगाएं, और लगाने के बाद इसे आप 10 से 15 मिनट तक कुक करें। मैंने इडली के सांचे में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने इसमें भरा है। इसे ना बहुत कम भरेंगे ना बहुत ज़्यादा भरेंगे। और इसको भरने के बाद मैंने इडली के कुकर में ये प्लेटें रख दी हैं, और रखने के बाद इसे बंद कर दिया, और 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है। 15 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए, ये अपने आप ठंडा होगा, फिर आप इसे निकाल लीजिए। पंद्रह मिनट बाद जब कुकर आपका ठंडा हो जाए, तो आप इडली की प्लेट को निकाल लीजिए, और इसे आप चक्कू की सहायता से या हाथ से ऐसे ही आप इडली को निकाल सकते हैं। गर्म रहेगी अगर आपकी इडली की प्लेट, तो इडली निकालने में दिक्कत आएगा और उसका शेप बराबर नहीं आएगा। लीजिए, आपकी वेजिटेबल इडली बनके तैयार है। आप इसे सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ, या फिर खट्टी मिट्टी जो भी चटनी आपको पसंद हो, आप इसके साथ खाइए, खिलाइए, बनाइए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Thank you.